देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में बॉलीवुड अभिनेत्री एवं हिमाचल प्रदेश की बेटी कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर उग्र आंदोलन किया गया। सामाजिक संस्थाओं ने एकत्रित होकर कांगड़ा प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग उठाई गई है। साथ ही उन्होंने आंदोलन को और उग्र करने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान सामाजिक संस्थाओं के काफी अधिक पदाधिकारियों सहित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रहे। संगठन विभिन्न विचारों वाले लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो इकट्ठे हुए हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में जो देश की बेटी है कंगना रनौत के साथ सरेआम अन्याय किया गया है, उसका घर तोड़ा गया है, उसकी खिलाफत करने हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग इस माध्यम से, आज आपके माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में कानून का राज है, इस देश में किसी ठाकरे का राज नहीं है, किसी सोनिया गांधी का राज नहीं है, किसी सोनिया सेना का राज नहीं है, इस देश में संविधान का राज है और सभी को अपनी बात रखने का बराबर हक है, अपनी बात रखने का अधिकार है। और कंगना रनौत ने अगर अपनी बात रखी है तो महाराष्ट्र सरकार को वो सुनना चाहिए। और साथ ही साथ जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको भी, उन्होंने जो ये कदम उठाया है उसका घर तोड़वाकर, वो एक तरह से जो उन्होंने अपनी शपथ ली थी उसकी उन्होंने उल्लंघन किया है और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो महाराष्ट्र सरकार है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए।